दिल्ली के आम लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटाखे जलाने के लिए उकसाया लोगों को, उसको धर्म से जोड़ करके प्रचार किया गया। इवन कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कि हम पटाखे जलाएंगे, चाहे जो करना हो कर लो। तो ये जो सोच है उसने कल दिल्ली की हवा को खराब करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। लेकिन पटाखों के साथ साथ दूसरा जो रोल प्ले किया वो पराली ने किया है। अभी जो सारा डाटा हमने निकलवाया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये देखें, ये कल का पराली जलने का ये चित्र है नासा का, जिसमें आप रेड एरिया देख रहे हैं। रेड एरिया के नीचे दिल्ली के ऊपर अगर आप देखें तो व्हाइट व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है। ये कल उधर से, कल तक, परसों तक जो है पूरब से हवा चल रही थी। तो जो पराली की घटनाएं, लगभग 800 से 1000 जगहों पे पराली जल रही थी लास्ट वीक में, लेकिन अब वो 3,500 से ज़्यादा हो गई है। कल का जो दर्ज है, मतलब 4 गुना से ज़्यादा पराली जलने की घटना पड़ी कल। दूसरा जो हुआ कि जो हवा का रुख है वो उत्तर से हो गया, तो अब जो पंजाब हरियाणा में जो भी पराली जली, तो कल शाम तक ये जो आप देख रहे हैं, ये कल का चित्र है, आज का नहीं, ये कल का। कल शाम तक ये जो स्मॉग जो है वो पराली से आ करके चादर घिर गई थी। लेकिन पटाखों के जलने से जो है, जो पटाखे जलवाए गए, उन पटाखों के जलने से जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी कई गुना बढ़ गया, जिसकी वजह से आज जो है दिल्ली की हवा जो है दम घोटू हो गई। अब गोपाल भाई जी, क्या रहा है इतना ज्यादा प्रदूषण? अब क्या आगे फर्दर प्रोसेस है, क्या करेंगे? नहीं, सरकार अभी इस अभियान को और तेज करेगी, क्योंकि देखो दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण है उस प्रदूषण को कम करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन हो, व्हीकल पोल्यूशन हो। तो जो बाहर से पोल्यूशन और इमरजेंसी पोल्यूशन आया है, उसके अलावा जो दिल्ली के अंदर का पोल्यूशन है उसको हमें मिल करके रोकना पड़ेगा। जैसे बीजेपी के लोग ये कह रहे थे जी पटाखे फोड़ने से कुछ नहीं होता, आज तो सबको दिख रहा है कि हो रहा है पटाखे फोड़ने से। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।